हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मेरा नाम है जयेश और आप देख रहे हैं टेक इट इजी। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। गाइस, किसी भी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी है। आपको कुछ भी गूगल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। चलो गाइस, शुरू करते हैं। मान लीजिए, चलो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। आप कैलकुलेटर हाथ में ले लीजिए, ले लिए। अब आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 136 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा और बहुत ही इजी स्टेप्स में आप सेल्सियस डिग्री में पहुँच जाएंगे। तो चलो एक ले लिया 136 फ़ारेनहाइट, इसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला 136, ठीक है, -32, उसमें से आपको 32 माइनस करना है तो कितना बचा, 104, ठीक है, इंटू 5, 104 इंटू 5, ठीक है, तो कितना आया, 520। यह आया अभी जो आंसर आया 520, उसको आपको 9 से डिवाइड करना है, यानी कि 9 से डिवाइड करने का। तो क्या आंसर आया, 57.778। तो ये जो आपका आंसर आया, ये आपका सेल्सियस में आया, यानी कि 136 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 57.778 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों का टेम्परेचर सेम है, यानी कि ये इक्वल पॉइंट है फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में, ये दोनों सेम पॉइंट है, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने आपको निकाल के बताई, लेकिन ये कैसे, आप कैसे बोलोगे कि ये चीज़ सही है, हाँ ये सही है? तो चलो गाइस, रीचेक करके आपको मैं बताता हूँ कि हम सेल्सियस को 57.778 सेल्सियस को हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में, जो कि 136 डिग्री फ़ारेनहाइट आना चाहिए, ठीक है। तो आप 57.778, अब इसको क्या करेंगे, अब जब 57.778 है, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 जो उससे पहले डिवाइड में था तो ऊपर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आपका आंसर आएगा, 520, ठीक है। अब जो 520, वो जो 5 ऊपर था ना, वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 520 से डिवाइड हो जाएगा तो वो आपका आंसर आएगा 104, ठीक है। और वहाँ पर 32 माइनस में था तो जब इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 104 प्लस 32 यानी कि 136, तो ये आ गया 136 फ़ारेनहाइट। समझ गए गाइस, बहुत इजी टेक्निक है, आप कोई भी नंबर लेके कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं और रीचेक भी करिएगा, ये जरूर ऐसा ही आएगा। जो आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, फिर आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, देखना सेम ही होगा। अगर ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कुछ भी डाउट हो तो गाइस बिंदास पूछना।